बदनावर से कांग्रेस विधायक ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक शेखावत ने कहा कि राजस्व विभाग में बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता, थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अफसरों के सुस्त रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, विधायक शेखावत ने स्थानीय प्रशासनिक अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है, पुलिस विभाग ने लूट करने का लाइसेंस ले लिया है। जो आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है, ये जो खुली लूट इन्हें मचा रखी है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए। हम आदरणीय एसपी साहब को भी हम निवेदन किए हैं, कलेक्टर साहब को भी अपने निवेदन किया कि आपका ये पुलिस महकमा जो है, इन्होंने लूट करने का लाइसेंस ले लिया है। यहाँ एसडीओपी, यहाँ के टीआई कोई किसी की शिकायत सुनने का प्रश्न नहीं कर रहे, मेरा सीधा आरोप है। शेखावत ने कहा क्षेत्र में कई गांवों की 45 बच्चियां गुम हुई हैं, जिसमें झील कंपनी से भी 27 महिला गायब हैं। इसके पीछे जो गैंग काम कर रही है, इसकी जानकारी झील कंपनी को दी जा चुकी है। गुम बच्ची के परिजन रिपोर्ट लिखाने थाने के चक्कर लगा रहे हैं, किंतु शिकायत नहीं लिखी जा रही है। एक और विषय मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने के अंदर बदनावर से 47 महिलाओं का, लड़कियों का यहाँ से पलायन हुआ, चिनाई मतलब को अपहरण हुआ मान के चलो। 47 महिलाएं, 47 बच्चियों को गायब होने की शिकायत आज तक थाने पे पुलिस माता पिता करने जाते हैं, पुलिस वाले शिकायत लिखने को तैयार नहीं है। 47 में से 27 महिलाएं झील कंपनी से गई, झील कंपनी के अंदर सिर्फ महिलाओं का काम होता है और वहां पे कोई एक महिला नेत्री है जो झील के मस्टर रोल पे काम करती है, वो इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट करती है। अभी खदराना इंदौर के अंदर जब एक रैकेट पकड़ा गया, उस रैकेट के अंदर 16 बच्चियां पकड़ी गई, उनमें से 2 बच्चियां बदनावर की थी। मैं स्थान नहीं देता बताना चाहता हूँ, ठीक भी नहीं लगता। 2 बच्चियां बदनावर की थी और उन्होंने कोई खान का नाम बताया, क्या नफीस खान क्या नाम उसका, शफीक खान, ये साहब शफीक खान जो है बदनावर का, उसके माध्यम से हम लोग इस काम में आए। ये शफीक खान कौन है भाई? शफीक खान क्या कर रहा है यहाँ पर? शफीक खान किसका नुमाइंदा है? और ये 47 जो भाइयाँ बच्चियाँ हमारे परिवारों की गई है, इसकी शिकायत क्यों लिखी नहीं गई? और जितनी शिकायत लिखी गई है उसमें पुलिस ने कितनी लड़कियां रिकवर की? ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पर और ये समाज जन सबके लिए चिंता का विषय है। रोज बच्चियां गायब हो रही हैं, उठाई जा रही हैं, माता पिता थाने पे चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं, शिकायत लिखने को तैयार नहीं, आज तक एक भी बच्ची को बरामद करके लाया नहीं गया है। विधायक शेखावत ने राजस्व अभियान को लेकर कहा कि समस्याओं के समाधान हेतु अब तक कई ग्राम पंचायतों में राजस्व महाअभियान के तहत कार्यक्रम के आयोजन नहीं किया जा सका। राजस्व विभाग में नामांतरण हो या बंटवारा, बिना पैसों में कोई काम नहीं होता। प्रशासन राजस्व को लेकर क्या कहेंगे? राजस्व विभाग का अभी अभियान चल रहा है 1 महीने का और हमने पिछले 25 तारीख को शायद उद्घाटन किया था, मैं खुद ही गया था उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद से लगातार मैं सब पंचायतों में फोन कर रहा हूँ कि भाई ये राजस्व का अमला आपके यहाँ कब आया, कब इन्हें मीटिंग ली, जबकि तय हुआ कि ढोंडी पीट करके पूरी पंचायत को बुलाया जाएगा, वहीं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आज तक किसी पंचायत में वो अमला गया नहीं और किसी सरपंच ने मुझे ये नहीं कहा कि आज हमारी मीटिंग हुई है, हमारी समस्याओं का समाधान है। अब ये मेरे ख्याल से 1 महीने का है, तो 1 महीने बाद ये डेढ़ महीने का जो समय है वो खत्म हो जाएगा और ये कागजों पे अपना करके घर बैठ जाएंगे।
न तो स्पॉट पे लोगों को बुलाया जा रहा है, न उनकी समस्या का निराकरण बताया जा रहा है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन का यह मैंने काम बताया आपको कि पुलिस प्रशासन की मनमानी चल रही है, आंखों पे पट्टी बांध करके राजनीतिक दबाव में वो काम कर रहे हैं, और दबाव में काम करने के कारण जो जनता है वो अलाकान है, जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही। बगैर लिए दिए थाने में कोई अधिकारी किसी के साथ एंटरटेनमेंट नहीं करता है। कुल मिलाकर कांग्रेस विधायक ने खुलकर न सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए बल्कि आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बदनावर।